आज 11 नवंबर को नहाए खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ का शुरुआत हो गया। आपको बता दें कि पटना के गंगा घाटों पर भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़े रहे। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। उसके बाद गेहूं को धोने का काम चलता रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये छठ व्रती हैं जो आज नहाए खाए के स्नान के बाद गेहूं को धोने का काम कर रही हैं। लोक आस्था के इस महापर्व में छठ को लेकर के पटना में सड़कों पर छठ की छटा देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देखिए छठ व्रती जो हैं वो पूरी श्रद्धा से गंगा घाटों पर उमड़े हैं। वहाँ पर पूजा अर्चना के बाद स्नान किया जा रहा है। स्नान के बाद आज नहाए खाए मनाया जाएगा और कल सोमवार को खरना का भी तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी। खरना के लिए प्रसाद बनाना आज से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि व्रत के बाद छठ व्रती खरना के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलते हैं। इधर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राजधानी पटना के तमाम घाटों पर NDRF की कई यूनिट्स को तैनात किया गया है। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से लोकल सुरक्षा बल यानी कि जिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बात करें हम सिक्योरिटी की तो सुरक्षा को लेकर के यूनिफॉर्म और सादी वर्दी में भी जवानों को तैनात किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना के DM कुमार रवि और पटना के SSP मनु महाराज पिछले दिनों तमाम घाटों पर खुद मौजूद होकर के निरीक्षण करने पहुंचे थे। CM नीतीश कुमार ने भी कमान संभालते हुए पटना के गंगा घाटों का स्टीमर से निरीक्षण किया था। उस दौरान उनके साथ पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी साथ थे। इसके साथ ही साथ पटना की मेयर सीता साहू भी नीतीश कुमार के साथ पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सीता साहू इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो पटना नगर निगम की मेयर हैं और पटना नगर निगम छठ पूजा समिति के साथ मिलकर के पटना के छठ घाटों पर तमाम सफाई और सुरक्षा के व्यवस्था को देख रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो लोक आस्था के महापर्व में शुरुआत हो चुकी है। छठ के गीतों से पटना के सड़कों पर जो माहौल है, जो वातावरण है, वो मधुर हो गया है। लोग नहाए खाए के बाद अब खरना करेंगे, उसके बाद छठ के लिए डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और उगते सूरज को अर्घ के साथ ही छठ का महापर्व समाप्त हो जाएगा।